नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालेंगे 5 मिनट 25 खबरों पर। यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में फिल्मी सितारों से की मुलाकात। योगी के दौरे को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना, कहा कोई भी महाराष्ट्र जाकर इंडस्ट्री को यहां से नहीं ले जा सकता। दिल्ली में कोरोना के बीच मलेरिया से मौत का पहला मामला आया सामने। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मदनपुर के जेजे कॉलोनी के रहने वाले 6 साल के बच्चे की मलेरिया से हुई मौत। किसान आंदोलन के चलते नोएडा से दिल्ली आने जाने वालों की बड़ी मुश्किलें। किसान और सरकार के बीच बातचीत रही बेनतीजा। किसान आंदोलन के चलते नोएडा का चिल्ला बॉर्डर भी किया गया बंद। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का 7वां दिन। किसानों को मनाने में नाकाम रहे मंत्रियों की शाह के घर बैठक। गाजियाबाद में बीकेयू ने किया बुद्धि शुद्धि आह्वान, नोएडा में चिल्ला बॉर्डर सील। राकेश टिकैत ने बोला कल घिरेगी दिल्ली। किसानों के विरोध प्रदर्शन को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों का भी मिलने लगा है समर्थन। दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब तक के किसानों का आंदोलन जारी। वहीं हरियाणा से जिद की खाप में पंचायतों ने भी शुरू किया दिल्ली कूच। पंचायतों ने दी धमकी, कहा 3 दिसंबर को सरकार से नहीं बनी बात तो दिल्ली जाने वाले फल फूल दूध सब्जी सप्लाई सब कर देंगे बंद। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस और NSUI का हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के खिलाफ फूटा गुस्सा। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की डिमांड, सीएम को किसानों से मांगनी चाहिए माफी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। सुशील मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। यूपी सरकार के मिशन शक्ति अभियान पर प्रियंका गांधी का निशाना, कहा झूठा प्रचार और ढोंग फैलाने का ही काम करती है सरकार। दिल्ली NCR में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.7 मापी गई। दिल्ली NCR से सटे गाजियाबाद में था भूकंप का केंद्र। दिल्ली और गुजरात के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना टेस्ट के दाम घटाने का किया ऐलान। नई दरों के तहत 700 रुपए में कोरोना का RT-PCR टेस्ट किया जा सकेगा। गुजरात में मास्क नहीं लगाने वालों को कोरोना सेंटर पर 5 से 15 दिनों तक करनी होगी सेवा, हाईकोर्ट का आदेश। कौशाम्बी में एक बड़ा हादसा होने से 8 लोगों की मौत। शादी समारोह से लौट रही सड़क किनारे खड़ी कार के ऊपर ट्रक पलटने से हुआ हादसा। झांसी में छेड़खानी की शिकायत करना महिला को पड़ा भारी। शिकायत करने पर दबंगों ने महिला को तहसील के अंदर पीटा। आए दिन दबंग करते थे महिला से छेड़खानी। चंदौली में अनियंत्रित गाड़ी ने सड़क किनारे बैठे युवक को कुचला, युवक की मौके पर हुई मौत। गाड़ी में सवार 3 लोग घायल। मेरठ के एक गांव में दो पक्षों में मारपीट और पथराव का वीडियो हुआ वायरल। 26 नवंबर का बताया जा रहा वीडियो। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 307 की धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। हाथरस में रंग की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से लाखों का नुकसान। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां आग बुझाने के प्रयासों में जुटी। उन्नाव में एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। हादसे में महिला समेत चालक की दर्दनाक मौत। अज्ञात वाहन से हुई जबरदस्त टक्कर, कार के उड़े परखच्चे। प्रतापगढ़ में धान क्रय केंद्र और गोदाम पर मकान मालिक ने लगाया ताला। विभाग द्वारा किराए नहीं मिलने से नाराज मकान मालिक ने क्रय केंद्र पर लगा ताला। ताला लगाने से क्रय केंद्र पर किसानों का जमावड़ा। संभल में SP यमुना प्रसाद के स्थानांतरण पर BJP नेता भुवनेश्वर राघव की सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी से हलचल। BJP नेता ने SP के कार्यकाल में जुआ सट्टा व रिश्वतखोरी चरम पर होने का लगाया आरोप। रामपुर में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी, बाइक सवार युवकों की मौके पर मौत। मौत की खबर से परिजनों का बुरा हाल। 5 मिनट 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।